चलिए बच्चों, अब हम उदाहरण दो पर काम करते हैं। उदाहरण दो में भी हमें रचना करनी है और इस बार जो रचना है वो ऐसी है कि हमें कोई दो कोण दिए हुए हैं और हम एक ऐसा कोण बनाने जा रहे हैं जिसकी माप उन दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो ये रचना कैसे की जाएगी, चलिए देखते हैं। पहले तो हम कोई भी दो कोण बना लें और फिर उसके बाद हम उनके योग के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए एक कोण हमने इस जगह पर बनानी है और दूसरा कोण यहाँ बनाना है। तो दोनों कोण के लिए हमने आधार बना लिया और जैसे देखिए एक कोण ये है और दूसरा कोण, इसे हम थोड़ा छोटा कर लें, दूसरा कोण ये है। अब इसे हम किरण के रूप में प्रदर्शित कर दें। ये दो किरणें हैं जिनके बीच में कोण बन रहा है। इस कोण को हम मान लीजिए नाम ए देते हैं और इस कोण को नाम बी देते हैं और इसे भी किरण के रूप में हम प्रदर्शित कर दें। अब हमें एक ऐसा कोण यहाँ बनाना है जिसकी माप इन दोनों के योगफल के बराबर हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बिंदु ले लें और उस बिंदु को लेकर के ठीक इसके समान एक रेखा किरण खींच लें हम। ये काम हम कर लें। मान लीजिए इस जगह पर हम कोण बनाने जा रहे हैं तो ये किरण हमने खींच ली, इसे आप इस तरह से प्रदर्शित कीजिए। इस बिंदु को थोड़ी देर के लिए हम मान लें इसका नाम ओ है। अब याद कीजिए कि आपने जब कोण के बराबर कोण की रचना की थी तो आपने क्या किया था। आपको याद होगा कि हमने जहाँ कोण बनाना है उसके शीर्ष पर प्रकार की नोक रखी थी और एक त्रिज्या लेकर एक बड़ा चाप खींचा था और वैसा ही चाप वहाँ खींचा था जहाँ हम कोण बनाना चाहते हैं। यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे और चूँकि हमको एक कोण बनाने के बाद दूसरा कोण भी उस पर बनाना है तो जो चाप हम यहाँ खींचेंगे वही चाप यहाँ पर भी खींच लेंगे। तो सभी के सभी चाप एक दूसरे के बराबर होंगे। तो चलिए इस काम को करें। ये देखिए प्रकार के नोक हमने पहले वाले कोण के शीर्ष पर रखा और ये चाप लिया। चाप जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा शुद्धता मिलेगी। देख लीजिए ये भी इस पर खींचा जा सकता है। तो हम ये चाप खींचते हैं, देखिए ये हमने एक चाप बनाया और वैसे ही त्रिज्या का चाप हमने दूसरे कोण पर भी बना लिया और जहाँ पर हम इन दोनों कोणों के योग के बराबर कोण बनाना चाहते हैं वहाँ पर भी हम इसी त्रिज्या का एक बड़ा सा चाप बनाएंगे ताकि दोनों कोणों के यहाँ पर जब हम बनाएं तो वो यहाँ पर बनाए जा सके। चलिए जो त्रिज्या का चाप हमने यहाँ बनाया वही उसी त्रिज्या का चाप हमने यहाँ पर भी बनाया। मान लीजिए इस बिंदु को हम नाम दे दें, इसे कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे इसको आपने ओ दिया इसको नाम दे दें पी। अब आप देखिए दूसरा काम हमने ये किया था कि इस बिंदु को पहचानने के लिए, इस बिंदु की दूरी निश्चित करने के लिए, जगह निश्चित करने के लिए हमने यहाँ से एक नई त्रिज्या ली जो ठीक इसको छू रही हो और इसी के बराबर चाप हमने यहाँ पर काट दिया था। तो वही काम हम करें, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे एक हमने त्रिज्या के रूप में लिया और वही दूरी हमने यहाँ पी से नापकर इस चाप पर काट ली। अब यदि आप इसको मिलाते हैं ओ से तो ये जो कोण बनेगा वो कोण ए के बराबर होगा। इसे आप समझ पा रहे हैं, ये देखिए हमने ओ से उस कटन बिंदु को मिला दिया। मान लीजिए इसको आपने नाम दिया क्यू, नाम आपने दिया ये क्यू है। तो कोण क्यू ओ पी का जो निर्माण हुआ वो इस कोण ए के बराबर होगा। अब ठीक इसी तरह से हम कोण बी की रचना करेंगे, लेकिन कोण बी की रचना करने के लिए अब इसको हम आधार भुजा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये किरण है, इस किरण को हम आधार भुजा के रूप में इस्तेमाल करेंगे और फिर उसी तरह से चूँकि ये चाप जो हमने लिया था जिस त्रिज्या का उसी त्रिज्या का चाप यहाँ भी है, केवल यहाँ से हमको ये दूरी जो नापनी है कोण की दूसरी भुजा की, इसे हमने प्रकार से नाप लिया और ठीक वही त्रिज्या का चाप हमने पहले वाले चाप पर काटा। और मान लीजिए इस बिंदु को नाम हमने दिया आर, ये आर नाम दिया और इसको हमने मिला दिया। तो यहाँ पर जो कोण बनने जा रहा है वो कोण बी के बराबर होगा।
ये देखिए हमने इसको मिला दिया सावधानी से और इसे किरण का रूप दिया। तो देखिए यहाँ पर जो कोण आपने अभी बनाया वो आर ओ क्यू है जो कोण बी के बराबर है। तो पहला जो कोण हमने बनाया वो कोण ए के बराबर था और इस कोण की दूसरी वाली भुजा के साथ एक दूसरा और कोण बनाया जो बी के बराबर था, तो इसे भी आप नाम दे दें बी। तो आप देख रहे हैं ये जो पूरा कोण बन रहा है आर ओ पी, ये पूरा का पूरा कोण कोण ए और कोण बी के योगफल के बराबर है। तो इस तरह से आपने एक ऐसे कोण की रचना की जो दिए हुए दो कोणों के योगफल के बराबर है। एक बार दोबारा से देखें, ये एक कोण हमें दिया हुआ था जिसकी माप ए थी, ये दूसरा कोण दिया हुआ था जिसकी माप बी थी। हमने इसकी रचना के लिए एक किरण ओ पी खींची और ओ पी पर ये जो कोण है उस पर हमने एक चाप लिया था एक निश्चित त्रिज्या का, वही चाप हमने यहाँ और यहाँ भी लिया और फिर इस नाप का चाप दोबारा से हमने पहले वाले चाप पर काटा, बिंदु क्यू हमको मिला, ओ क्यू को मिलाया, तो कोण क्यू ओ पी जो बना वो कोण ए के बराबर था। और ठीक ऐसा ही हमने ओ क्यू को आधार मानकर किया तो कोण बी की रचना हुई और इस पूरे कोण को हम ए धन बी कह सकते हैं। तो आर ओ पी जो कोण बना वो कोण ए और कोण बी की योगफल के बराबर हुआ। इस तरह से ये रचना पूरी होती है। करके देखें, पहला उदाहरण दो में की गई रचना के चरण विस्तार से स्वयं लिखिए। दूसरा 30 अंश और 90 अंश माप के कोण बनाइए, बताइए कि यह कैसे बनाया। तीसरा भुजा की कोई माप लेते हुए समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। चौथा एक न्यून कोण बनाइए और एक ऐसे कोण की रचना कीजिए जिसका मान पहले बनाए गए न्यून कोण के मान से दो गुना हो।